मैं हूं आज शकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब जिला विद्यालय निरीक्षक रवि दत्त की। उन्होंने राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में बनाए जा रहे 4 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम का निरीक्षण किया। वहीं 1,70,00,000 रुपए की लागत से यही बनाए जा रहे छात्रावास को भी देखा। डीआईएस ने बताया कि स्टेडियम और छात्रावास का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के कैबिनेट मंत्री महबूब अली 8 दिसंबर को करेंगे। इस मौके पर राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य खुर्शीद हैदर जैदी सहित विभाग के अन्य कर्मी मौजूद थे। वीडियो जर्नलिस्ट थॉमस मशकूर के साथ आशिकीन कवरेज की रिपोर्ट। स्टेडियम की जो लागत है वो 3,24,00,000 रुपया है इसकी लागत। सारा पैसा कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम मुरादाबाद को चला गया है और अंतिम चरण में स्टेडियम का निर्माण है। इस समय आने वाली 8 तारीख को माननीय मंत्री जी श्री महबूब अली साहब इसका उद्घाटन करेंगे और निर्माण लगभग पूर्ण है। अभी हमने देखा थोड़ा बहुत काम जो बका बचा हुआ है वो 7 तारीख तक सब पूर्ण कर लिया जाएगा। इसी के साथ साथ इसी प्रांगण में हमारा राजकीय इंटर कॉलेज का जो मैदान है इसी में एक छात्रावास का निर्माण हुआ है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत, जिसकी लागत 1,70,00,000 रुपये है। इसकी कार्यदायी संस्था UPPCL गाजियाबाद द्वारा निर्माण इसका हुआ है। इसमें 100 लड़कियों के रुकने की व्यवस्था है, 25 कमरे बने हैं और बहुत अच्छी बिल्डिंग इसकी बनी है। 100 लड़कियां इसमें का बेडिंग रहेगा और जिसमें उनके आवास की व्यवस्था है, शौचालय है, बाथरूम है, टॉयलेट्स है और वार्डन का आवास है, आगंतुकों के लिए रुकने की व्यवस्था है। साथ ही साथ बच्चों के लिए मैस की व्यवस्था और मैस का रूम इसमें बना हुआ है। इसका भी उद्घाटन माननीय मंत्री जी द्वारा 8 तारीख को करा लिया जाएगा। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से तैयार है।